लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिम्बाब्वे से लाहौर पहुंचने वाले 8 जिम्बाब्वियन खिलाड़ियों ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। मेहमान खिलाड़ी कहते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने जो प्लेटफॉर्म फराहम किया है वो इससे बेहद खुश हैं और जमकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। लाहौर कलंदर की जानिब से जिम्बाब्वे में जारी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 8 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए जो 8 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचे। ये खिलाड़ी 4 माह तक कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे। 2 बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन है, 2 फास्ट ऑलराउंडर्स हैं, 2 फास्ट बॉलर्स हैं, 1 विकेट कीपर है और 1 स्पिन ऑलराउंडर है। मैचेज हैं उनके लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट है, उनको इन्हेंस करना है एलीट क्रिकेट के लिए। खिलाड़ियों ने कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इनडोर ट्रेनिंग की। जिम्बाब्वे से आए खिलाड़ी का कहना है कि लाहौर कलंदर ने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। Great opportunity that Kalanders High Performance is giving us because we're getting to learn a few and a lot of things from the most experienced guys from this side. So it's actually a great honor to be here. The coaches in Lahore Kalanders are helping us very much with our skills and just encouraging us to do better. We are very excited to keep training here. जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेटर एल्टन जिगम बोरा कहते हैं कि कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वर्ल्ड क्लास सहूलियात मौजूद हैं। Good opportunity for the guys who came here for this training, and with the way Kalanda High Performance have done before, and I think it was needed for our guys to come and experience. Kalanders ne Global T10 aur Zimbabwe Cricket ke ishtirak se Zimbabwe ke 3 mukhtalif shahron mein trials karwaye. In trials mein 100 ke kareeb khiladiyon ne shirkat ki. Cameraman Jawad Haider ke sath Hafsa Usman, Jio News, Lahore.